हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इज इनिटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ये इस तरह की बूटी बनाना सीखेंगे गर्ल्स के लिए। ये देखें, ये इस तरह से इस बूटी को बनाने के लिए हमने जो ऊन ली है, ये है वर्धमान की ब्राइलॉन वूल। ये बेबी वूल है। इसको बनाने के लिए हमने सलाइयाँ ली हैं, 10 नंबर की सलाइयाँ। इन सलाइयों से इसे हम बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले सलाई में ये 42 फंदे डाले हैं। 42 फंदे डाल लिए हैं हमने। अब हमने क्या करना है, एक सलाई सीधी इधर से निकालेंगे हम सीधी तरफ से, और एक सलाई सीधी उल्टी तरफ से निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका बेस बना रहे हैं, पूरी सलाई सीधी बनाएंगे। ये देखें, ये सलाई हमारी सीधी कंप्लीट हो गई। अब ये रॉन्ग साइड से भी हमने सीधी सलाई डालनी है। ये फंदा उतारा ऊन पीछे, और इधर से भी हमने सलाई को सीधा ही बनाना है। ये देखें, रॉन्ग साइड से हमने पूरी सलाई सीधी बना ली, जिससे ये एक धारी उल्टी हमारे पास आ गई। अब हमने फंदे बढ़ाने हैं इसके। ये देखें, फंदे बढ़ाने के लिए हमने जहाँ 4 जगह हमने फंदे बढ़ाने हैं, ये मार्कर लगा लिया है। ये देखें, पहले इधर से 1 और 2, 2 फंदे के बाद फिर देखें 2। ये देखें, अब यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदों के बाद फिर हमने मार्कर लगाया, 2 फंदे बीच में, फिर ये यहाँ पर 18 फंदे और यहाँ पर ये 2 फंदे हैं। अब फंदे हम बढ़ाना शुरू करते हैं। देखें, पहला फंदा उतारा, अगला फंदा हमने बनाया। अब ऊन आगे और ये मार्कर इधर हमने शिफ्ट कर लिया। अब आगे के फंदे सीधे। ये देखें, ये हमारी जाली आ जाएगी। ऊन आगे कर ली थी हमने, इसलिए ये जाली हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये अब अगले मार्कर तक सारे फंदे सीधे बनाते हैं। अब ये देखें, लास्ट फंदा बनाया, फिर मार्कर आ गया। ये यहाँ पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ऊन हमने आगे कर ली, मार्कर शिफ्ट कर लिया। अब ये देखें, अगला फंदा सीधा बना लिया, फिर ये सीधा बना लिया फंदा। यहाँ मार्कर है, यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है। ऊन आगे कर ली, मार्कर शिफ्ट कर लिया। अब ये आगे के फंदे 18 सीधे बना लेंगे। अब ये देखें, ये बनाया फंदा, फिर मार्कर आ गया। यहाँ पर फंदा बढ़ाना है, आगे ऊन की, मार्कर शिफ्ट किया और ये दोनों फंदे सीधे बना लिए। अब ये देखें, राइट साइड से सलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गए हम ये रॉन्ग साइड पर। रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे सीधे बना लें। जो जाली हमने डाली है, वो वाला भी हमने फंदा सीधा बना लेना है। और ये मार्कर को हम ये जाली से आगे कर लेंगे। ये देखें, ये भी सीधा हमने बना लिया, इससे आगे हम मार्कर को लगाएंगे। सारे सीधे बना लेते हैं। ये देखें, ये फंदे सीधे बन गए, फिर ये मार्कर आ गया, जाली का फंदा आ गया। ये देखें, इसको भी सीधा। ये जो मेन फंदे थे 1, 2 और ये जाली का फंदा हमारा, ये सीधा। अब इससे आगे हम मार्कर लगाएंगे। ये बीच में हमारे 4 फंदे हो गए। अब ये सारे फंदे एंड तक सीधे बना लेते हैं। राइट साइड पर आकर मिलते हैं। अब देखें, राइट साइड पर हम आ गए हैं। अब हमारे ये पहले हमारे 2 फंदे थे, 1 और ये 2। अब ये हमारा जाली वाला फंदा हो गया, ये भी हमने बनाया। अब हम ये मार्कर को हटा लेंगे, क्योंकि ये जाली से ही हमें पता चल जाएगा कि इससे आगे हमें जाली डालनी है। अब हम आगे ऊन करेंगे। ये देखें, फिर से ये सारे फंदे यहाँ तक सीधे बना लेते हैं, ये 18 फंदे। अब ये देखो, फिर से मार्कर आ गया, ये जाली है हमारी। मार्कर अब हम हटा देंगे। ये देखें, 4 फंदे हो गए। ये 2 थे हमारे बीच में फंदे, आसपास हमने जाली डाली थी, अब ये बीच में हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। फिर से जाली डालते हैं आगे ऊन, ये 4ों फंदे हम सीधे बनाते हैं। अब ये वाला मार्कर भी हम हटा देते हैं, यहाँ पर जाली डालेंगे।
अब ये 18 फंदे फिर से सीधे, अब ये देखें 18 फंदे सीधे बना लिए। अब ये यहाँ पर जाली है, इससे पहले जाली डालेंगे, ये देखें मार्कर हटा देंगे, आगे ऊन कर ली। अब ये 3 फंदे सीधे, राइट साइड पर ही हमने ये 4 जगह फंदे बढ़ाने, और रॉन्ग साइड से पूरे फंदे सीधे बन जाएंगे। ये रॉन्ग साइड पर आ गए, पूरी सिलाई हमारी सीधी बन जाएगी। अब ये देखें रॉन्ग साइड से सिलाई सीधी हमने बना ली। अब ये फिर से हम राइट साइड पर आ गए, ये देखें 2 बार हमारे फंदे ये बढ़ चुके हैं। अभी हमने इसमें 3 बार फंदे और बढ़ाने हैं, ये देखें। अब हम पहले हमने 3 फंदों के पास जाली डाली थी, अब ये देखें 1 2 3, ये 4 फंदों के बाद जाली डाल लेंगे यहाँ पर। ये हमारी देखें इसी तरह से यहाँ पर देखें, पहले बीच में हमारे 2 फंदे थे, फिर ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब फिर से जाली डली है तो ये 6 फंदों के आसपास डलेगी यहाँ जाली, यहाँ 1 2 इस जाली से पहले, और यहाँ पर 1 और 2 इस जाली के बाद यहाँ पर जाली डलेगी। इसी तरह से एंड में यहाँ जाली से पहले यहाँ पर जाली डलेगी। ये देखें 4 फंदे फिर जाली, फिर ये 18 फंदे फिर जाली, और फिर बीच में 6 फंदे यहाँ जाली, फिर 18 फंदे यहाँ जाली, और एंड में 4 फंदे, और रॉन्ग साइड से सिलाई पूरी सीधी बन जाएगी। इस तरह से इसमें हम 3 बार फंदे और बढ़ा लेते हैं। ये हमारा इसका ये बेस बनेगा, ये जो हमारा ये बेस है ये हमने बनाना है। इस तरह के बेस बनाने मैंने कई अपने सॉक्स में बनाए हुए हैं, वो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक भी मैं आपको दूंगी, तो वहाँ से हेल्प लेकर भी ये बेस आप आसानी से बना पाएंगे। इसको हमने 5 जाली तक बना लिया है, ये 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास सलाई में 62 फंदे हैं, यहाँ पर हमने 42 फंदे डाले थे, ये 20 फंदे हमारे बढ़ गए। अब हमारे पास सलाई में 62 फंदे हैं। अब हमने अपना सेकंड कलर लगाना है, ये देखें ये हमारा वाइट कलर हम इसमें लगा रहे हैं। अब 2 सलाइयाँ हमने इस कलर से बनानी है, 2 सीधी सलाइयाँ, सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी। ये 62 फंदों को इधर ये राइट साइड से भी सीधी सलाई निकालनी है और रॉन्ग साइड से भी सीधी सलाई पूरी बनानी है। अब ये देखें राइट साइड से हमारी सीधी सलाई हो गई, अब हम ये रॉन्ग साइड पर हैं, इधर से भी सलाई हमने सीधी निकालनी है। ये फंदा उतारा ऊन पीछे, और अब ये सारे फंदे हमने सीधे बना लेने, जिससे हमारे पास एक ये वाइट धारी सामने की तरफ राइट साइड पे आ जाएगी। अब ये देखें रॉन्ग साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, ये एक वाइट धारी हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, फिर से अपना रेड कलर लगाना है, और हमने 4 सिंपल सलाइयाँ बनानी है। सिंपल सलाइयों का मतलब है सीधी तरफ से सीधी सलाई और उल्टी तरफ से उल्टी सलाई। राइट साइड से ये हम सीधी सलाई बना रहे हैं, और फिर हम रॉन्ग साइड पे आएंगे तो उल्टी सलाई बनाएंगे। ये देखें राइट साइड से सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई सीधी, अब हम रॉन्ग साइड पर हैं, रॉन्ग साइड से अब हमने उल्टी सिलाई बनानी है। ये देखें ये आप उल्टी सिलाई हम बना रहे हैं। ये इसी तरीके से हमने 2 सलाइयाँ और बना लेनी है, एक सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। ये देखें 4 सिंपल सलाइयाँ हमने बना ली है, ये अभी लेंथ हमारी थोड़ी कम लग रही है, तो इसमें हमने 2 सलाइयाँ और बनानी है, यानी टोटल 6 सलाइयाँ हम कर लेंगे, सीधी तरफ से सीधी सलाई और उल्टी तरफ से उल्टी सलाई। अभी 2 सलाई हम और बना लेते हैं, ये सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब ये देखें ये 6 सलाइयाँ हमने सिंपल बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, 20 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 फंदे सिंपल सीधे बनाते हैं। ये देखें हमने 3 जगह फंदों को डिवाइड कर लिया है, 20 फंदे ये, 20 फंदे ये, और 22 फंदे हमारे बीच में। ये भी फंदे सिंपल बनेंगे, शुरू के 20 और एंड के 20 फंदे भी सिंपल बनेंगे। जो काम होगा हमारा वो इन 22 फंदों के बीच में होगा। अब बनाना शुरू करते हैं, पहले इन 20 फंदों को हम सीधा बना लेते हैं। ये देखें 20 फंदे हमने सिंपल सीधे बना लिए। अब ये मार्कर इधर से हमने शिफ्ट किया, आगे ऊन कर लिया हमने, और अब ये
एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा। ये दूसरा मार्कर आने तक हमने एक उल्टा एक सीधा इसी तरह से इनको बना लेना है। ये देखें, यहाँ से हम एक उल्टा सीधा बनाते हुए आए हैं एंड पर। अब ये जो हमारा 22वां फंदा है, ये फंदा हमारा सीधा ही बनेगा। लास्ट फंदा हमारा सीधा ही आया है, और अब ये आगे वाले हमारे 20 फंदे ये भी सीधे बन जाएंगे। अब ये देखें, बाकी 20 फंदे ये हमने सीधे बना लिए। अब आ गए हम रॉन्ग साइड पर। अब रॉन्ग साइड से जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। ये 20 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, फिर आगे जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा, जो सीधा दिख रहा है वो सीधा। इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब ये देखें, ये 20 फंदे हमने उल्टे बना लिए। ये मार्कर हमने इधर शिफ्ट किया। अब यहाँ से ये 22 फंदे जो जैसा दिख रहा है वैसा, ये उल्टा दिख रहा है तो उल्टा, जो सीधा दिख रहा है वो सीधा, ये उल्टा, ये सीधा दिख रहा है तो ये सीधा। इसी तरह से ये बना लेंगे 22 फंदे, और फिर ये 20 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब हम आ गए राइट साइड पर। राइट साइड से ये 20 फंदे सीधे बना लेते हैं पहले। ये देखें, 20 फंदे हमने ये राइट साइड से सीधे बना लिए। फिर हम आ गए ये वाले 22 फंदों पर। अब ये फिर से वैसे ही जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हम बनाएंगे, उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा। इसी तरह से जब हम फिर रॉन्ग साइड पे आएंगे तो ये 20 फंदे उल्टे, और ये 22 फंदे जो जैसा दिख रहा है वैसा, और फिर ये 20 फंदे उल्टे। इस तरह से ये हम दो सलाइयाँ और बना लेते हैं, यानी इस पैटर्न की हमने टोटल 4 सलाइयाँ बनानी है। ये देखें, इन 22 फंदों को हमने 4 सलाई तक एक सीधा एक उल्टा बना लिया। ये 4 सलाई, और 4 सलाई ये 20 फंदों में ये सिंपल बनाया। अब हम आगे का काम करते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, ये 20 फंदे हमारे फिर से सिंपल बनेंगे सीधे सीधे। अब ये देखें, 19 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये 20वां फंदा बनाने से पहले ये फंदा हमने उतारा 20वां, आगे वाला उल्टा फंदा हमने बनाया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया, ये 2 का 1 कर लिया। इसी तरह से अब ये अगला सीधा हमने उतारा, उल्टे को बनाया, ये सीधा फंदा इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये देखें, ये सीधा उतारा, उल्टा बनाया, ये इसके ऊपर से उतार दिया। ये सीधा हमने उतारा, उल्टा फंदा बनाया, अब ये इसके ऊपर से उतार देंगे। सीधा उतारा, ये उल्टा बनाया, ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये देखें, ये इसी तरह से ये वाले फंदे 22 जो हैं हमने बना लेने। ये उल्टे फंदे हमारे सारे इसमें बंद हो जाएंगे। अब ये देखें, इस तरह से ये उल्टे फंदे हमारे सारे बंद हो गए। अब ये हमारा एक फंदा बचा है, इसको हम क्या करेंगे, ये उतारेंगे और अगला 20वां बनाएंगे, और ये इसके ऊपर से हम उतार देंगे। अब ये बाकी बचे 19 फंदे हमने सीधे बना लेने, और अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बन जाएगी। अब ये देखें, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमने उल्टी बना ली। अब हम फिर से राइट साइड पे आ गए। पहले हम 20 फंदे सीधे बनाते हैं। ये 20 फंदे सीधे बना लेते हैं। ये देखें, 20 फंदे सीधे बना लिए हमने। अब ये 2 का 1 करना शुरू करते हैं हम। ये इस तरह से ये सारे फंदे हम बीच वाले जो हमारे फंदे हैं, देखें, 3 4 5 और ये 6, 6 बार ये हमने 2 का 1 कर लिया है। ये 6 बार, ये देखें, 2 4 6। अब ये बाकी फंदे हम सीधे बना लेते हैं। अब ये देखें, सीधी तरफ की सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब हम
अब ये देखिए रॉन्ग साइड पर हैं हम, और सलाई हम बनाएंगे सीधी। ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं, रॉन्ग साइड पर हैं, पर उल्टी सलाई बनाने की बजाय हम सीधी सलाई बना रहे हैं, जिससे ये उल्टी धारी अपने पास आएगी। ऐसी तीन धारी आने तक अब हमने इसको बना लेना है। ये देखें, एक धारी तो अब ये आ जाएगी ये वाली सलाई बनाने से। फिर हम चार सलाइयां और बना लेंगे, उससे दो धारियां और आ जाएंगी। तीन धारियां आने तक इसको हम बना लेते हैं, फिर हम मिलते हैं। अब ये देखें, तीन धारियां हमारे पास आ गई, एक दो और तीन। और फिर हमने ये सीधी साइड से सीधी सलाई निकाल ली, राइट साइड से। अब आ गए हम ये रॉन्ग साइड पर। अब हमने क्या करना है, फिर से यहां पर हमने सीधे फंदे बनाने 13। ये देखें, एक फंदा ये हमने उतार लिया, 12 और बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच 9 10 11 12, दो दो चार 6 8 10 12 और 1 13। अब अपनी तरफ ऊन को लाएंगे। अब ये फंदे हमने बंद करने, ये देखें दो फंदों में हमने एक साथ उल्टे में सलाई डाली और ये 2 का 1। फिर ये बना हुआ फंदा दूसरे फंदे के साथ लिया, 2 का 1। ये 13 फंदे रहने तक हमने ये बाकी फंदे बंद कर लेने। ये देखें इस तरह से, ये इस तरफ हमारे पास राइट साइड पर भी 13 फंदे। फिर हमने फंदे बंद करने शुरू किए, और अब ये लेफ्ट साइड भी हमने 13 फंदे छोड़ने और बाकी फंदे हमने बंद कर देने। अब ये देखें, इस तरफ भी हमारे पास 2 4 6 8 10 12 और 1 ये वाला, 13 फंदे बचे। ये बचे हुए फंदों को हमने सीधा बना लेना है। अब ये देखें, दूसरा कलर हमने व्हाइट कलर जो अपना हम लगा रहे थे वो हमने लगा लिया इसके साथ। और अब ये वाले 13 फंदे हमने व्हाइट कलर से बना लेने हैं सीधे। अब ये देखें, 13 फंदे ये हमारे सेकंड कलर से बन गए। अब ये दो तरफ हमारे पास फंदे, अब इनको हमने कैसे डिसाइड करना है। एक तरफ हमने ये बांधने वाली पट्टी बनानी है और एक तरफ हमने ये प्लेन फंदे बनाने। ये देखें इस तरह से, ये 13 फंदे और एक तरफ ये फंदे बढ़ाकर ये बांधने वाली पट्टी बनानी है। तो ये देखें, इस वाले पैर में हमने ये इस साइड राइट साइड पे ये फंदे बढ़ाकर पट्टी बनाई है। तो अब इस वाले पैर में हम ये देखें, इस तरफ इस वाली साइड में लेफ्ट साइड में बांधने वाली पट्टी बनाएंगे और इस साइड के फंदों को हम सिंपल बनाएंगे। तो ये फंदे अब हमने बढ़ाने नहीं है, इसी तरह का ये बॉर्डर जैसा हमने बना लेना है। 8 सीधी सलाइयां, एक सलाई तो हमने ये बना ली है, अब 7 सलाइयां और बनानी है और फिर इसे बंद कर देना। ये देखें, 1 2 3 4 धारी आने तक हमने इसको बना लेना है। ये देखें, ये 13 फंदों को हमने ये 1 2 3 4 धारियों तक, उल्टी धारियों तक बनाया और फिर इनको हमने बंद कर दिया। अब आ गए हम इस साइड के 13 फंदों पर। अब हमने इधर बढ़ा के पट्टी बनानी है। अगर वो दूसरी साइड पर जब हमने बढ़ाकर पट्टी बनाई थी, तो पहले ये फंदे बना करके और फिर हमने हाथ से एक्स्ट्रा फंदे डाल करके पट्टी बढ़ी हुई बनाई। अब हमने इस तरफ बनानी है पट्टी बढ़ाकर, तो पहले हम ये इसमें फंदे डाल लेंगे हाथ से। ये देखें, 20 फंदे डाल लेंगे। अब ये देखें, हाथ से हमने ये 20 फंदे डाल लिए। इधर के धागे को अभी हम पकड़ के रखेंगे। अब ये वाले फंदों को हम पहले आराम से सीधा बनाते हैं। अब ये देखें, ये 20 फंदे हमारे बन गए, ये जो हमने हाथ से डाले थे। अब ये सिलाई के ये वाले रेड वाले फंदे शुरू होंगे, इनको भी हम सीधा बनाएंगे। और ये जो हमारा धागा है इसको हमने इसमें बंद कर देना है। अब ये देखें, दोनों तरफ से सीधी सलाइयां बनाते हुए हमने ये 2 उल्टी धारी आने तक इसको बना लिया। ये सारे फंदों को 20 ये जो हमने डाले और 13 ये।
अब हम फिर से ये सीधी तरफ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर काज बनाना है। पहले हम ये तीन फंदे बनाते हैं, ये टोटल चार फंदे हो गए, एक ये उतारा हुआ और तीन ये हमने बनाए आगे ऊन की हमने, और ये दो का एक कर दिया। ये देखें इस तरह से, ये जो हमारी ये जाली है ये हमारा काज बन जाएगा। बाकी सलाई ये पूरी सीधी हम बना लेंगे, और फिर तीन सलाइयां और सीधी बना करके इसको हमने बंद कर देना है। ऐसी हमने चार धारियां बना लेनी है, जिस तरह से ये इस इधर आ रही है, एक दो तीन चार, इसी तरह की चार धारियां आ जाएंगी। फिर इसको हमने बंद कर देना है। दो धारियों के बाद हमने यहां पर काज डाला है, और फिर चार धारी कर कर इसको हम बंद कर देंगे। अब ये देखें, ये रॉन्ग साइड से हमारी सिलाई पूरी हो गई, और ये इस तरफ हमारे पास चार धारियां आ चुकी हैं, एक दो, उसके बाद काज, और काज के ऊपर फिर दो, एक दो। अब हम इसे बंद करेंगे, सारे फंदों को। बंद करने का अपना प्रोसेस वही है, ये देखें, एक फंदा उतारा ऊन पीछे, अगला फंदा सीधा बनाया, ये पिछला वाला अगले के ऊपर से उतार दिया, फिर ये अगला बनाया, ये पिछला अगले के ऊपर से उतार दिया, अगला सीधा बनाया, ये पिछला इसके ऊपर से उतार दिया। ये देखें इस तरह से सारे फंदे हमने बंद कर लेने हैं। अब ये देखें सारे फंदे हमने बंद कर दिए। ये अब हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई करेंगे सॉक्स की। ये जो व्हाइट पोर्शन है हमारा, ये व्हाइट धागे से ही सिलेंगे, और फिर ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है, ये पूरी साइड और ये नीचे का तलवा, ये इसको हम रेड से सिल लेंगे। ये देखें सिलाई हमने कर ली, व्हाइट पोर्शन व्हाइट से और ये रेड सारा, ये रेड से ये बेस बनाया हमारा। ये देखें अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे थोड़े बहुत धागे बाहर हैं, इनको हम क्रोशिए से इसके अंदर दबा देंगे। ये इस तरह से बीच बीच में निकाल करके ये क्रोशिए से हमने दबा देने हैं। अब देखें ये इस साइड पर जो हमने ये 13 फंदे बिना फंदा बढ़ाए बनाए थे, ये इधर हम बटन लगाएंगे ताकि ये इस तरह से काज के ऊपर आ जाए। ये बटन हम लगा लेते हैं, ये देखें बटन भी हम इस तरीके से लगाएंगे कि ये दो उल्टी धारियां नीचे रह जाएं और दो ये ऊपर, बीचों बीच में, जैसे हमने बीच में काज बनाया है इसी तरह से बीच में हमने बटन लगाना है। ये देखें बटन हमने लगा लिया। अब हमने ये फ्लावर इसमें टांकना है। ये देखें जैसे इस वाले सॉक्स में हमने ये लगाया हुआ है फ्लावर, ये फ्लावर बनाने का वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से हेल्प लेकर ये फ्लावर आप बना लेंगे। ये देखें इसको हमने टांकना कहाँ पर है, सबसे पहले ये देखेंगे कि टांकना कहाँ पर है। ये हमने टांकना है इस साइड पर, जिस साइड हमने पट्टी बढ़ाकर नहीं बनाई है, ये देखें। और कहाँ पर टांकना है, ये जहां पर हमारे ये 20 फंदे का एंड होता है, जहां से ये हमारा बीच के 22 फंदों पर काम शुरू हुआ था, ये 20 फंदों का एंड हुआ था, यहां पर इसको हमने टांक लेना है। ये देखें इस तरह से, ये इस जगह पर इसको अब हम पक्का कर लेते हैं। ये देखें ये फ्लावर हमने इसमें लगा लिया है। अब हमने ये किनारी बनानी है नीचे, जैसे ये हमने दूसरी सॉक्स में बनाई हुई है। अब इसको बनाने के लिए ये देखें इस तरह से हमने सॉक्स को पकड़ना है। ये जो हमारी लास्ट वाली रेड धारी है बेस की, इसमें से हमने बनाना है, और एक ही तरफ से हमने ये फंदे लेने हैं। ये देखें दो हाफ सर्कल इसमें आते हैं तो ये एक लाइन बनती है उल्टी धारी की, तो जिधर से भी लेना शुरू करना है फिर उसमें से ही टांका लेते जाना है। ये देखें एक दो तीन, इस तरह से लेना है, ये नहीं कि एक बार इधर से फिर ऊपर से फिर नीचे से, ऐसे नहीं। ये देखें इसके लिए हम सबसे पहले जैसे नॉट बनाते हैं ऐसे एक नॉट बना लेंगे क्रोशिए की। ये देखें अब शुरू करेंगे, इसको यहां पर हमने लॉक कर लिया। अब ये देखें अगले में से डालेंगे ये, और ये इस तरह से हमने ऊन को पकड़ा,
और ये इस तरफ हम ले आए और ये एक कर दिया। फिर ये देखें अगले में से डाला, इस तरह ये ऊन को पकड़ा, इस तरह ले आए और ये फिर दो का एक कर दिया। फिर ये देखें अगले में से डाला, इस तरह ये ले आए और ये दो का एक कर दिया। अब ये देखें अगले घेरे में डाला, ये इस तरह, फिर ये दो का एक कर दिया। फिर ये देखें, बस ये हमने ध्यान रखना है कि जिधर के सर्कल में हमने डालना शुरू करना है फिर उसी सर्कल में हमने डालते जाना है। ये देखें ये ऐसे लिया और ये इस तरफ ले आए, ये देखें ये ऐसे लिया और ये ले आए, फिर ये ऐसे, फिर ये देखें अगले सर्कल में ये ऐसे लिया, ये ऐसे, फिर ये दो का एक कर लेंगे। फिर अगले सर्कल में ये देखें ऐसे लिया, ये इस तरह का किनारा हमारा पूरे में आता जाएगा। अब इसे हम कंप्लीट कर लेते फिर देखते। ये देखें ये बनाते बनाते हम एंड पर आ गए। अब हम इसको यहां पर लॉक करेंगे। ये देखें लास्ट बार इसको बना करके लास्ट बार हमने बना लिया और ये अब हम इसको लॉक कर देते हैं। ये लॉक कर दिया हमने। अब इसको यहां से हम कट कर लेते हैं और ये अंदर से अब हम क्रोशिया डालेंगे। ये जो हमारा यहां पर ज्वाइंट है यहां पर ये देखें, और ये इस धागे को भी और इसको भी दोनों को हमने अंदर निकाल लेना है। ये देखें ये अंदर निकाल लिया हमने इन दोनों धागों को और यहां पर अब हम इसको नॉट लगा करके टाई कर देंगे। ये देखें ये अंदर ले जा करके हमने उनको लॉक कर दिया। इसी के साथ ये सॉक्स हमारी तैयार हो गई है। देखें दोनों सॉक्स हमारी तैयार हो गई है। ये जो सॉक्स है हमारी ये 2 साल के बच्चे को आराम से आएगी। जो हमने पहले अपनी कैप बनाई थी वो भी हमने 2 साल के बच्चे के लिए बनाई थी और ये सॉक्स भी हमने 2 साल के बच्चे के लिए ही बनाई है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको सॉक्स का पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।